हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त सुनील शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ प्लांट। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है वो एलिमेंट जो लार्ज अमाउंट में या जिनके ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हीं की हम बात करें अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें प्लांट को कम अमाउंट में यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी होती है या कम अमाउंट में वो उन प्लांट को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन। तो हम एक एक करके इनके फंक्शंस और सोर्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो कार्बन की बात करें, इसका सोर्स होता है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्लांट इसको लेते हैं। और मेजर फंक्शन की बात करें तो जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो मेजर फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होता है। बात करें ऑक्सीजन का, इसका भी सिमिलर होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी तीनों प्रेजेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन में ओवरऑल सभी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कंबाइनली देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके सोर्सेज जो हैं वो अलग हैं। जिसमें हम कार्बन की बात करें तो एयर हमने अभी डिस्कस किया था, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है वो वाटर से लेते हैं। और बात करें इनके फंक्शन की, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन, जिसका सोर्स है सॉइल। अब हम बात करें इनके सोर्सेज की, तो ये तीन जो हैं वो वाटर और एयर से लिए जाते हैं, और मेनली जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट सॉइल से लेता है रूट के थ्रू। तो नाइट्रोजन का फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में हम बात करें तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के जो पोरफायरिन स्ट्रक्चर होता है उसमें, और सर्टेन कोएंजाइम्स जो है वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पोटेशियम, तो पोटेशियम हम सोर्स की बारे में अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स सभी के सेम है, सॉइल जो है वो सभी का एक सोर्स है। तो बात करें अब पोटेशियम की, तो ऑस्मेटिक एंड आयनिक बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड एंजाइम एक्टिवेटर, 14+ एंजाइम एज एक्टिवेटर काम करता है पोटेशियम। नेक्स्ट है कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो भी सॉइल से भी हम ड्राइव करते हैं प्लांट, और सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो कैल्शियम एंजाइम की एक्टिवेटर के साथ साथ जो उनकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है, प्लांट के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है, उसको भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नीशियम की, तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, और एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम करता है। बात करें तो फॉस्फोरस की, जो फॉस्फोरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, ATP जो कि एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड होता है, उसके फॉर्मेशन में यूज होता है। नेक्स्ट सिलिकॉन, इसका सोर्स भी सॉइल होता है और सेल बॉल के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो ये जो थे वो थे तुम्हारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये जितने भी आपको हाईलाइट किए हैं ये सभी क्या थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली क्लोरीन, आयन, बोरॉन, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, कॉपर, निकल एंड मोनिब्डेनम होता है। सबसे पहले हम बात करें क्लोरीन की, तो इन सभी के जो सोर्सेस हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि शुरू में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही सोर्सेस जो होते हैं वो एयर और वाटर होता है, बट जितने भी मेनली जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं, सभी प्लांट जो हैं वो सॉइल से लेते हैं। तो ये ध्यान रखें आप लोग। एंड क्लोरीन की बात करें तो आयनिक बैलेंस, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में भी क्लोरीन का यूज होता है, और आयनिक बैलेंस जो है क्लोरीन के थ्रू किया जाता है इन प्लांट। एंड द आयन की बात की जाए तो इसके फंक्शन में इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम ETC पढ़ते हैं, तो ETC में हम कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 में हम FeS कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि FeS
प्रोस्थेटिक ग्रूव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयन का वहाँ यूज होता है मेनली, और भी फंक्शंस आप देखते हैं। नेक्स्ट हम बोरॉन की बात करें तो इन सेल बॉल्ब इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड इन सेल ग्रोथ। नेक्स्ट मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज इन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम मैग्नीज की बात करते हैं ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में। आप देखते हैं कि एक क्लस्टर बना होता है मैग्नीज का जो कि प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक सिस्टम 2 के पास। नेक्स्ट हम सोडियम की बात करें तो सोडियम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस सब्स्टिट्यूट फॉर पोटेशियम इन ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस। जो सोडियम जो होता है वो पोटेशियम के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज होता है एज अ ऑस्मोटिक एंड आयनिक बैलेंस के तौर पर। नेक्स्ट हम जिंक की बात करें इन एंजाइम इन्वॉल्विंग रेस्पिरेशन एंड द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है कॉपर जिसका फंक्शन है इन एंजाइम इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस। और निकल की बात करें तो इन एंजाइम मेनली यूरिएज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम बात करें मोनिबिडेनम, तो मोनिबिडेनम जिसका भी सोर्स सॉइल होता है और इसका फंक्शन होता है इन एंजाइम इन्वॉल्व इन नाइट्रोजनस मेटाबॉलिज्म। तो ये थे कुछ मैक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जिसमें हमने आज डिस्कस किया उनके सोर्सेज के साथ साथ उनके मेजर फंक्शन के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा।